हाय फोक्स, बड़े दिनों बाद गाइस, आज मैंने एक आइटम परचेज कर ली है अमेज़न से फॉर द अनबॉक्सिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि चैनल पे एक लास्ट अनबॉक्सिंग मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब डाली थी। सो आज फाइनली अनबॉक्सिंग आ गया है टाइम। सो आर यू गाइस विद मी? इसका ना तो मैंने ब्रांड अभी तक शायद डिस्क्लोज किया होगा और ना ही इसमें है क्या वो भी शायद नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। बट हाँ, आपको टाइटल के अंदर ये चीज़ पता चल गई है, इसके अंदर कुछ काइंड ऑफ अ किट है एंड ब्रांड मैं बिल्कुल एंड में डिस्क्लोज करूँगा, क्योंकि पहले चीज़ अच्छी होगी मैं तभी आपको उसका लिंक और क्या कहते हैं ब्रांड नेम एंड एवरीथिंग डिटेल दूंगा, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है वीडियो 30-40 सेकंड, एक मिनट या डेढ़ मिनट को देखता है एंड सर्च कर लेता है, बाई चांस उसको चीज़ ठीक लगती है अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे तो वो जाके वो चीज़ परचेज कर लेता है। बट मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूवर्स को कोई ख़राब चीज़ मिले, मैं चाहता हूँ कि उनको जो भी बेस्ट होगा या फिर उस पर्टिकुलर प्राइस पे अच्छा होगा वो ही मिले। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है गाइस बॉक्स एंड इसकी एक साइड का कंडीशन थोड़ा अच्छा नहीं है, मतलब आप लोग नोटिस कर ही रहे होंगे, बट ये है कि ये लग तो बंद ही रहा है। सो एक काम करते हैं, ये टेप हटाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ज़रा अपने ट्रस्टी काइंड ऑफ मल्टीपर्पज टूल के साथ। एंड इस टाइप के मल्टीपर्पज टूल एक्चुअली मुझे काफ़ी पसंद है। सो आप लोगों के पास भी अगर कोई होगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो अभी मैं जैसे हटाऊंगा इसको, ब्रांड दिखेगा क्या? हाँ ब्रांड दिख रहा है, बट स्टिल ब्रांड को मैं ब्लर कर दूंगा, कोई नहीं, थोड़ी एडिंग ज़्यादा हो जाएगी हो जाएगी, कोई बात नहीं। हियर वी गो गाइस। ऑलराइट, सो ये है गाइस बॉक्स इस पर्टिकुलर टूल किट का एंड इसके अंदर 2 बैटरी है एंड कई सारी चीज़ें और हैं। सो ये है इसका बॉक्स एंड अगर इस पर MRP देखें, MRP दिख रही है क्या? हाँ MRP है 699 एंड आई गॉट दिस फॉर 2000 rupees, 2100 समथिंग का था, कुछ डिस्काउंट मिलने के बाद मुझे ये 2000 का पड़ा है। सो ये हटाते हैं एंड बॉक्स अच्छा लग रहा है, आप लोग बताओ कैसा लग रहा है एंड कोशिश करूँगा ब्रांड नेम हटा दूँ, और नहीं हटा पाया तो यहीं से आप लोगों ने पढ़ के मज़े ले लिए होंगे। बट या क्वालिटी देखने के बाद ही परचेज करना एंड लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो। सो यहाँ पे सील लगी हुई है तो सील को ज़रा काट देते हैं, देयर वी गो, सो ये है बाहर। ऑलराइट गाइस, आर यू गाइस रेडी रेडी फॉर दिस? एंड बॉक्स इज ऑल्सो लुकिंग नाइस, इट्स अ लो मोल्ड बॉक्स, सो उसको निकालते हैं एंड यहाँ रखते हैं। बॉक्स की कंडीशन अच्छी लग रही है एंड अंदर क्या है चलिए देख लेते हैं क्या। ऑलराइट, थैंक यू फॉर चूजिंग अज़ूम, मैंने बोल भी दिया ब्लर करना पड़ेगा, क्लॉथ्स चीज़ अच्छी होगी तो नहीं करूँगा। ऑलराइट, सो ये खुला एंड यहाँ पे कुछ ऐसे एंड देयर वी गो। ऑलराइट, सो ये है ये बेसिकली यहाँ लगा हुआ था, मैंने बॉक्स में देखा था, सो ये यहाँ लग गया। एक बैटरी यहाँ, दिस इज द चार्जर एंड ये है स्क्रू ड्राइवर बिट्स यहाँ लगेंगे। ऑलराइट, सो गाइस ये है किट, आप लोगों को क्लोजअप शॉट्स भी गाइस साइड बाय साइड चल ही रहे होंगे एंड मैं ज़रा एक बुरी बैटरी पकड़े। हाँ बैटरी का साइज़ डिसेंट है, ये है गाइस 1.5 एम्पीयर की बैटरी है 12 वोल्ट्स पे एंड गन निकालें, मेन चीज़ तो यही है एंड अभी तक का फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा लग रहा है एंड ये जो बिट है ये कहाँ लगाने की जगह नहीं है तो शायद इसी के साथ लगा होगा ये। एंड एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी, ये जो ड्रिल बिट है इस पर ऑलरेडी करोजन है, आप लोग नोटिस करो राइट, सिर्फ ड्रिल बिट पे है, इस पे और इस पे, 3 पे है। चलो कोई बात नहीं, ड्रिल बिट्स तो ऐसा है कि मैं ले सकता हूँ दोबारा। सो देखिए ऑन है, लॉक है शायद, नाइस। सो इट्स अ 2-speed गियरबॉक्स, ये है 2 की स्पीड एंड ये हाई टॉर्क 1 पे, दैट्स नाइस। ये कुछ क्लच सेटिंग्स हैं, आई डोंट नो कैसे इसको एडजस्टमेंट देनी है एंड ये रिवर्स करने के लिए, अच्छा इसको पूरा दबाएंगे और आधे में रखेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, एक साइड दबाएंगे तो ऐसे चलेगा, दूसरी साइड दबाएंगे तो ऐसे चलेगा, विच इज़ अ नाइस थिंग राइट। इसका वेट अच्छा है एंड इसे लॉक करके ये बैटरी निकालनी हो तो इसको एक साइड पे हमें करना होगा, यहाँ तो दबाना होगा, इसमें देखें ज़रा, हाँ इसको ऐसे, ये देखो ये वाला सिस्टम है इसमें, इसको ऐसे दबाएंगे तो ये निकल आएगी एंड ये कुछ दोनों साइड देयर वी गो जस्ट लाइक दैट ऐसे। एंड अब इसके अंदर ये ऐसे डाल तो दिया लेकिन इसको लॉक करने के लिए अच्छा इसी को घुमाना, सो लेट मी जस्ट ट्राई दिस, देयर वी गो, सॉरी
तो अभी थोड़ा और समझेंगे कि किस हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है इसका सिस्टम एक ड्रिल बिट से। सो गाइस, जो आप वीडियो आप देख रहे हो ये इसकी स्पीड है 2x, एंड अब मैंने सोचा कि एक मॉक टेस्ट इसका करके देखूं इस पर्टिकुलर स्क्रू ड्राइवर का, एंड इसके अंदर जो ड्रिल बिट्स वगैरह भी दे रखे हैं। सो गाइस, डिटेल टेस्ट आएगा, अभी सिर्फ एक मॉक टेस्ट है कि ये हार्डवुड पे और MDF पे ड्रिल कर सकती है कि नहीं कर सकती। सो इसकी अभी आप नोटिस कर रहे हो मैंने यहाँ पे ड्रिल बिट्स को लगा दिया। सो ये ड्रिल बिट जस्ट इंस्टॉल्ड, एंड यहाँ पे इसका क्लच सेटिंग भी मैंने ड्रिल की साइड पे कर दिया है। सो गाइस, ये अभी एक मॉक टेस्ट है, असली टेस्ट आएगा एंड उसके बाद देखते हैं। सो ये हार्डवुड, लेट्स सी यहाँ पे क्या कर पाता है। ये इसकी फुल पावर है, ड्रिल सेटिंग पे है ये, एंड उसके बावजूद लेट्स सी कि ये ड्रिल कर पाता है नहीं कर पाता। एंड बहुत पतली सी है लकड़ी, आप देख रहे हो इसका, बट नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई इट अनेबल टू ड्रिल। एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी यही सेम प्रॉब्लम पर मुझे लगा कि यहाँ पे ड्रिल का बिट का डिफरेंस होगा, क्योंकि दो टाइप की ड्रिल बिट साथ में आती हैं। सो अब दूसरी वाली लगा रहा हूँ, सो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो अब ये सब छोड़ते हैं एंड अब चलते हैं गाइस स्क्रू ड्राइविंग के टाइम पे। सेम वुड पे आई एम गोना ट्राई टू स्क्रू अ जिप्सम स्क्रू एंड लेट्स सी कि ये कितने देर में घुसता है इसके अंदर। एंड हियर वी गो, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इजीली ये काम हो गया, आप नोटिस करो बहुत ही ज़्यादा इजीली ये काम हो गया। सो दैट इज़ व्हाई आई सेड कि इसके अंदर डिसेंट परफॉर्मेंस है फॉर द स्क्रू ड्राइवर्स, बट इट लैक्स पावर टू ड्रिल टू आगे एग्जैक्टली। तो मैं आपको जब इसकी डिटेल टेस्टिंग करूंगा मैं तभी बता सकता हूँ आपको। सो ऑन दैट बॉम्बशेल गाइस, लेट्स एंड दिस वीडियो। जिप्सम स्क्रूज हार्डवुड में बहुत इजीली डाल देती है अंदर एंड बहुत इजीली उसको निकाल भी लेती है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो को गाइस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड लाइकिंग। थैंक यू सो मच।